काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हम एक वैक्यूम क्लीनर से एसी की क्लीनिंग कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास एक इंडोर यूनिट है जिसका कवर मैंने खोल रखा है और इसकी कॉइल के ऊपर काफी गंदगी भी जमी हुई है जिसको आज हम क्लीन करके देखेंगे एक वैक्यूम क्लीनर से। ये रहा वैक्यूम क्लीनर जिसका आज हम यूज करने वाले हैं और ये है इसकी अटैचमेंट्स। तो यहां पर एक नैरो माउथ वाला अटैचमेंट है मेरे पास और एक है ये ब्रशेस वाला। इन दोनों की मदद से हम क्लीनिंग करके देखेंगे और ये जानेंगे कि क्या एक वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग पॉसिबल है और अगर पॉसिबल है तो कितनी इफेक्टिवली वो क्लीन करता है। तो पहले आपको दिखाता हूं एसी की कॉइल जिसके ऊपर गंदगी जमी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो डस्ट होती है फिन्स के अंदर चली जाती है, इसको निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एयर को ब्लॉक करती है और उसके बाद कूलिंग पे इफेक्ट डालती है। तो ऐसे में आज देखने वाले हैं हम वैक्यूम क्लीनर से इस गंदगी को कितना इफेक्टिवली हम हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इस अटैचमेंट से तो बात बनी नहीं, तो चलिए इसको हम रखते हैं यहां पर और अब ये ब्रश वाली जो है इससे मुझे थोड़ी उम्मीद है कि क्लीनिंग हो पाएगी। तो चलिए अब इससे ट्राई करते हैं। तो चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं। तो अब बिना अटैचमेंट के भी हम एक बार डायरेक्टली अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या इफेक्टिवली काम हो पाता है। तो चलिए आप देखते हैं कि सफाई हो पाई है या नहीं हो पाई है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि कुछ सफाई हुई है लेकिन ज्यादा इफेक्टिवली मैं यहां पर नहीं बोलूंगा कि सफाई हुई है क्योंकि अभी भी आप कॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको साफ साफ देख सकते हो, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं। और ऊपर की तरफ भी यहां पर देखिए कि प्रॉपरली यहां पर सफाई नहीं हो पाई है वैक्यूम क्लीनर से, जबकि हमने ब्रश वाली जो अटैचमेंट लगाई थी उससे हुई है ये थोड़ी बहुत जो भी हुई है। बाकी बिना अटैचमेंट के और जो नैरो माउथ वाली अटैचमेंट होती है उससे तो यहाँ पर कोई सफाई होती हुई नहीं नजर आई हमें। तो उम्मीद है उन लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी जो ये सोचते हैं कि एक वैक्यूम क्लीनर से भी एसी को क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखो इस वाली अटैचमेंट से भी ट्राई किया जिससे कोई फायदा नहीं हुआ, बिना अटैचमेंट के भी ट्राई किया जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। हल्का बहुत जो क्लीनिंग हुई वो ये ब्रश वाली से हुई क्योंकि इसके आगे ब्रशेस हैं, जब हम ब्रश को कॉइल के ऊपर फेरेंगे तो ऊपरी जो परत है मिट्टी की वो हटेगी और उसको वो सक कर लेता है, अदरवाइज
कोई क्लीनिंग का यहां पर काम नहीं हुआ है ढंग से। और ये वाला जो एसी है ये तो मतलब ये मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गंदा ही नहीं था, और इसके ऊपर जो डस्ट है वो ड्राई डस्ट थी इसलिए थोड़ा बहुत उसने खींच लिया। लेकिन जब आप एसी को चलाते हैं तो आप सबको पता है कि कॉइल गीली हो जाती है मॉइस्चर की वजह से, तो जब गीलापन और मिट्टी मिलती है तो मिट्टी यहां पर यह डस्ट जो है वो जम जाती है कॉइल के अंदर, और उस जमी हुई गंदगी को कोई भी वैक्यूम क्लीनर नहीं खींच सकता है। तो ये चीज आप समझ के चलिए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी अटैचमेंट जब हम यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है फिन्स को नुकसान पहुंचने का, तो ऐसे में यह भी एक बात है कि हम अपने एसी को रिस्क पर ले रहे हैं। तो ऐसे में आप एक बात समझ के चलिए कि एसी की जो ये कॉइल है इसको अगर हमें क्लीन करना है तो हमें थोड़ा बहुत पानी चाहिए ही चाहिए। तो आप या तो मेरा वो वाला तरीका आजमा सकते हैं जिसमें मैंने पानी और टूथब्रश की मदद से कॉइल को क्लीन किया था, लेकिन अगर आप टेक्नीशियन को बुलाकर सर्विसिंग करवाते हैं क्योंकि उनके पास प्रेशर पंप होता है तो वो प्रॉपरली क्लीन हो जाता है, एसी ब्लोअर वगैरह भी क्लीन हो जाता है। हालांकि ये सारे काम मैंने बताए हुए हैं अपने वीडियोस के अंदर, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर टाइम जाता है और आपको एसी वगैरह अगर नहीं खोलना आता तो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है एसी का। तो ऐसे में अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप टेक्नीशियन को बुलाइए और अपने सुपरविजन में ये सारा काम करवाइए। ये नहीं है कि बस उसको छोड़ दिया, आप अपने सामने काम करवाइए ताकि आपको भी पता लगे कि जो काम हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस एम ब्लॉग्स चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, चैनल को विजिट कीजिए, उन सबको देखिए और अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।